टोटल पिछले लगभग 1.5 महीने से हमें 24 केसेस की रिपोर्टिंग आई है, और जिसमें कि क्रोज हैं, आउल हैं, पैराकीट्स हैं, और 2 केसेस जो हमको नादौन में क्रोज के मिले, उसको हमने सैंपल को उसको चेक कराने के लिए उसे जलंधर भेजा था, फिर उसके बाद वहाँ से भोपाल भेजा, और अब हमें उसकी कंफर्मेशन मिली है कि वो बर्ड फ्लू का केस है। स्लाइटली जैसा हमारे लिए रिलीफ की बात यह है कि ये H5N1 नहीं है, जो कि नॉर्मली वी आर फाइंडिंग अराउंड पोंग डैम, और वो काफ़ी इन्फेक्शस है, और ये H5N8 ये वायरस जो है ये आइडेंटिफाई हुआ एज़ पर द रिकॉर्ड। वर्ल्ड में अभी तक ह्यूमन टू ह्यूमन इस वायरस की ट्रांसमिशन नहीं हुई है, तो इससे बिट रिलीफ फॉर आस। बट फिर भी जैसे मैंने बताया, हम ब्लॉक लेवल पे हमारी कमेटियाँ बनी है, हम इनको इनके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं, और जैसे ही हमें कुछ बर्ड्स की डेथ्स का केसेज आते हैं, हम तुरंत प्रोसीजरली जो है इसकी डिस्पोजल करते हैं। हाँ, हमारे हमीरपुर में रेंजेज है, 5 रेंजेज है हमारे यहाँ पर, और इनमें अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 15 ब्लॉक्स जिसमें हम काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनका ब्लॉक ऑफिसर्स, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का फॉरेस्ट वर्कर्स, दे ऑल इन्वॉल्व इन इट। हमने ब्लॉक लेवल पर टीम का गठन कर रखा है, जहाँ पर ब्लॉक ऑफिसर्स अपनी ज्यूरिडिक्शन के अंदर अपने फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट वर्कर्स के साथ जो है पेट्रोलिंग करते हैं, और अगर उनके कोई भी उन्हें इनकी बर्ड्स की कोई डेथ रिपोर्टिंग आती है तो उनको उचित कार्रवाई की जाती है। हम उसको सैंपल को भेजा जाता है ताकि हम उसको वायरस की कंफर्मेशन कर सकें और उसका प्रोसीजरली डिस्पोजल करना।